आपने सुना होगा ऑलरेडी मैंने बताया भी कि चरणजीत सिंह छनी नए चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के वो एक दलित है एंड आई थिंक वो पहले दलित चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के ना वन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया दैट इज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर सर्विस कोविड ये दिया गया भनुमती गीवाला को तो ये कोविड नाइनटीन पैंडमिक में इनकी सर्विस के लिए इनको दिया गया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये नाम आप ऐसे याद रखोगे कि इन, इस, इनके नाम में घी वाला है तो ये बहुत ज्यादा घी खाती थी इस वजह से इनको कोविड नहीं हुआ था और इन्होंने बहुत हेल्प की थी कोविड नाइनटीन के दौरान तो घी वाला बनुमति घी वाला को ये अवार्ड मिला ना वर्ल्ड ओजोन डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसकी थीम क्या थी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस

ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी जो नालंदा बिहार में हुई ना गुजरात के नए सीएम बने भूपेंद्र भाई पटेल ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुका हूं ना याहू के नए सीएम बने जिम लजून याहू एक बहुत बड़ी कंपनी है ये आपने सुना ही होगा एंड इसके नए जो सीएम है उन वो बने जिम लजून इनके नाम में भी ये जून है तो जोन जैसे बन रहे है। देन यूएस ओपन हमने अभी देखा कि विम्बल्टन मेन सिंगल्स जो है वो नोवाक जोक ने जीता लेकिन यूएस ओपन ट्वेंटी मेडवेदेव ने तो डैनियल ने यूएस ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी सिंगल का टाइटल जीता जो रशिया के हैं चाइना की नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का नाम गाउफेन फाइव ओ टू है इंपॉर्टेंट है याद रखोगे आप गाउफेन फाइव जो है ये चाइना की अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है नाउ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नई बुक रिलीज की जिसका नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है शाइनिंग यूथ ऑफ इंडिया ये सरदार जी ने लिखी राजनाथ सिंह ने लिखी है इंपॉर्टेंट वन इम्पोर्टेंट वन की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने मेघालय की एक विलेज को नॉमिनेट किया है एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड उसका नाम है कांग एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग थांग आप ऐसे याद रखोगे कि वहां पे बेसिकली किंग कॉन्ग आपने सुना ही होगा देखा भी होगा वो बहुत बड़े चिमपैन है तो वहां पे वही किंग कांग है तो उसी को देखने के लिए वहां पे लोग जो है वो टूरिस्ट जाते हैं तो इसी वजह से उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज बताया गया है ये मैं मजाक कर रहा हूँ ये बस याद रखने के लिए आप यहाँ पे कांग इनके इसमें है तो किंग कॉन्ग इससे आपको याद आएगा इससे आपको याद आएगा कि वहां पे लोग जाते हैं किंग देखने के लिए तो कॉन्ग थोंग इस विलेज का नाम है देन फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इसका नाम इंस्पिरेशन फोर था इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्पेस रेक्स का ये मिशन था दैट इज फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इसका नाम इंस्पिरेशन वर्ल्डेंट है इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है देन सिम्बेक्स ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज मिलिट्री है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है इंपॉर्टेंट है सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है देन यहाँ पे जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो है इसको लॉन्च किया तो टूरिज्म तो को प्रमोट करने के लिए और यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का प्रोग्राम जे के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सी पहली विलेज बनी जो कि टूरिस्ट विलेज इस टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के अंडर बनी वो कहा है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू सप्लाई वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट सिटीजन कौन सी स्टेट बनी पहली स्टेट जो कि फ्री वाटर सप्लाई करेगी अपने स्टेट को वो है गोवा इंपॉर्टेंट है गोवा पहली स्टेट ऐसी बनेगी एंड हमने देखा था कि गोवा एक डिजीज फ्री स्टेट भी बनी है रिसेंटली फर्स्ट स्टेट जो उस डिजीज से फ्री बनी है वो कौन सी है वो रेबीज है वो हमने देखा रेबीज फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इंडिया की गोवा बनी है देन फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ गुजरात लेगिस्टेटिव असेंबली नीमाबेन आचार्य को बनाया गया गुजरात लेगिस्टेटिव असेंबली की पहली वुमन स्पीकर बनी नीमाबेन आचार्य नीमाबेन बहन आपने देखा होगा जैसे दया बेन आपने सुना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो गुजरात से ही है तो ऐसी जहाँ पे बेन आता है तो ये बेन गुजरात के नामों में ज्यादा होता है तो वहां की जो फीमेल होती है उनके नामों में ये बेन आपको दिखेगा तो नीमा बेन आचार्य गुजरात असेंबली तो की पहली वुमन स्पीकर बनी देन नेम द मिशन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अंडर डिजिटल हेल्थ कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू से पीपल सबको एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा डिजिटल आईडी कार्ड सबको मिलेगा और वो मिलेगा अंडर आयुष्मान भारत कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस किया चरणजीत सिंह ने अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखेंगे तो 46 रैंक uh, मिली है इंडिया को अकॉर्डिंग टू आई एम रैंक मिली थी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट है fish, ये ने किया है सिक्किम ने कॉपर मशीर जिसे लोकली कैटली फिश कहते हैं उसको डिक्लेयर किया है एज स्टेट फिश किस स्टेट ने बिल पास किया है सेप्टेम्बर में टू थाउजेंड नाइन एक्ट द्स मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज तो राजस्थान में आपको पता ही होगा कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे एक्ट लाया गया है कि जो भी मैरिज होगी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ तो वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने किया है अब यहाँ पे कौन सी आ, स्टेट में इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई नेशनल हाईवे के ऊपर तो ये नेशनल हाईवे नाइन टू फाइव जो बामे, बार में राजस्थान में है वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है तो ये ऑलरेडी कंप्लीट इनग्रेट हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है कश्मीर में भी बन रही है एक और ये 925A हाईवे पर बन रही है अगर मैं आपको बताऊं 925A हाईवे जो है ये बेसिकली 25 हाईवे जो है 25 हाईवे फाइव हाईवे का पार्ट है तो 25 क्या कहां से कहां जाएगा 25 जाएगा वेस्ट टू ईस्ट ऑलरेडी मैंने बताया -थांग विलेज जो है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मेघालय में जो है इसको डब्ल्यू यू एंड डब्ल्यू टी ओ की तरफ से बेस्ट विलेज नॉमिनेट किया गया है नाउ था से आपको किंग याद आएगा ये आपको ऑलरेडी पता होगी अब वो the first IAS to win a medal. तो पैरोलिक्स तो में इस बार सिल्वर मेडल जीता एक जिनका नाम है सुहासराज सुहासिराज फर्स्ट पैरोल्पियन बने जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और जो एक आई एस ऑफिसर भी ना वी स्टेट है फर्स्ट स्टेट इन दंट्री टू सप्लाई वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट सिटीजन ऑलरेडी मैंने बताया कि ये गोवा है गोवा में फ्री वाटर सप्लाई मिलेगी सबको Who was इंडिया what was India's position इन in the समर Paralympics? Paralympics 2020 में इंडिया की क्या रैंक रही है वो ट्वेंटी फोर्थ रही है अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखोगे समर ओलंपिक्स में उसमें फोर्टी एथ रैंक रही थी यहाँ पे इंडिया ने टोटल नाइनटीन मेडल्स जीते हैं वहां पे उन्होंने अगर समर ओलंपिक्स की बात करेंगे वहां पे टोटल सेवन मेडल्स जीते थे यहाँ पांच गोल्ड जीते वहां पे सिर्फ एक गोल्ड जीता था ना व्हाट्स द नेम ऑफ द राजीव गांधी नेशनल पार्क इन असम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क जो असम में है उसका नाम अब ओरंग नेशनल पार्क कर दिया है इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम अब ओरंग नेशनल पार्क रखा गया है। टू अक्टूबर अक्टूबर में यहां पे ओलंपिक यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था एंड यहाँ पे इकोनॉमिक साइंसेज में नोबल डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बिन को तो ये नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं याद रखने बट क्या करना होता है कि जब भी कोई नाम देखो आप तो उसमें देखो कि यूनिक चीज क्या है जैसे डेविड कार्ड में कार्ड यूनिक है तो एक कार्ड इमेजिन करो जोशुआ डी एंग्रिस्ट इसमें ये एंगर जैसा लग रहा है तो यहाँ पे आप आ, बस एंगर याद रखो तो ये इसमें कार्ड है इसमें एंगर है और इसमें गुइडो है है या है। तो इससे आप आ, इससे आप गाइड दिमाग में आएगा आपके तो कार्ड यहाँ से एंगर और यहाँ से मे बी एक गाइड है तो इससे आपको याद आएगा कि गाइड ने मे बी एक गाइड है टूरिस्ट गाइड उसने आपको कार्ड दिया था वो आपको खो गया तो उसको गुस्सा आया उसको एंगर आया तो ये कहानी जब आप याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली जब वहां आप पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो जैसे ही आप ये नाम देखोगे आपको आसानी से ये दिमाग में आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था इसके अराउंड मैंने ये कहानी बनाई थी तो ये डेविड कार्ड जोशो डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एमब इन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता नाव यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने जीता यहां केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो यहाँ पे बेंजामिन लिस्ट में लिस्ट लग रहा है कि यूनिक है डेविड मैकमिलन में मैकमिलन की बुक्स आती हैं ये पब्लिशिंग हाउस है इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं तो मे भी आप ऐसे याद रखोगे कि केमिस्ट्री की बुक्स मैकमिलन की ज्यादा आती है या केमिस्ट्री की बुक्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा मैकमिलन पब्लिकेशन की आती है तो ये इससे आपको याद आएगा ये देन अगर पीस प्राइज की बात करें तो नो, नो, नोबल पीस प्राइज जो है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरताओ को मिला मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरताओ तो यहाँ रेसा लिखा है रेसा थोड़ा यूनिक है और यहाँ पे मे बी धुमित्री या मुरातो आप याद रख सकते हो तो रेसा और मुरातव इन दो को आप कनेक्ट कर सकते हो रेस से आपको ये क्या याद आता है तो रसा से मे बी रस जिसे आप कहते हो कश्मीरी में रस कहते हैं तो मुरताओ से आपको याद आएगा मे बी कि मर गया तो रस पी के कोई मार गया तो या किसी ने रस पिया और मर गया तो ऐसे जब आप

मुनाबे को मिला ये। तो ये तीन नाम है जिनको फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला अब यहाँ पे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है लीज पे दिया गया अडानी ग्रुप को तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अब प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए मिला जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है आप याद रख सकते हो स्टार लिंक सेटेलाइट आपने होगा कि अब इंटरनेट जो है वो सटेलाइट के थ्रू मिलेगा आपको टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट के जो टावर्स है तो SpaceX, आ, उनकी सेटेलाइट है जिसका नाम है Starlink, तो वो उसी सेटेलाइट से वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वो स्पेस एक्स की है जो कि है एलन मस्क की कंपनी है रिसेंटली आपने सुना होगा कालिया परसू एलन मस्क ने अनाउंस किया कि यूक्रेन में हम स्टार लिंक सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे वहां के लोगों को ताकि रशियंस अगर इन्वेट करते हैं तो वो वहां की इंटरनेट को फैसिलिटी को डिस्टर्ब ना कर पाए अब टूनिशिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है नजला बाउडेन रोमडाने इंपॉर्टेंट है नजला रू, बाउडेन रमडाने अब यहाँ पे मे बी आपको एपिसर्ड लगे बट याद रखने के लिए नजला से आपको नजला याद आएगा नजला जुकाम जो होता है देन बाउडेन से मे बी बाइडन याद आए तो इमेजिन करो जैसे बाइडन को जुकाम हो गया मे बी तो उसकी जगह में किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया ऐसे आप आपको कितना भी एपिसर्ड लगे बट जब भी आप कोई वर्ड देखो तो जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है उस वर्ड को आप याद रखो उसके अराउंड एक कहानी बनाओ एंड उसको क्वेश्चन के साथ एस्ट्रेट करो आपको आसानी से ये याद रहेगा ये मैंने पूछा था आपके एक मॉक टेस्ट में भी अब डूरेंट कप फुटबॉल का होता है तो उसका एडिशन हुआ था वो फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता इंपॉर्टेंट है दैट कप एडिशन वो जीता गोवा ने देन हु हुज बी नेम्ड द ब्रांड एम्बेडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनआउट को बनाया गया है नाव यहाँ पे एक कॉमिक बुक आती थी बहुत पहले नाइन में आया करती थी उसका नाम होता था चाचा चौधरी चाचा चौधरी ये प्राण किशोर शर्मा ने बनाई थी और इसको नमामि गंगे प्रोग्राम का मैस्कॉट बनाया गया है Now, नमामी गंगे प्रोडक्ट जो है प्रोग्राम जो है ये गंगा और उसके अराउंड आई थिंक गंगा और यमुना और इसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड उनको क्लीन करने के लिए एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का तो उसका मैस्कॉट बनाया गया है इस कॉमिक बुक को उसमें बेसिकली कॉमिक बुक है प्राण किशोर शर्मा की उसमें चाचा चौधरी का एक कैरेक्टर हुआ करता था उसको बनाया गया है मैस्कॉट तो ये से विनोद सेलेक्ट किया गया है ऑस्कर भी कहते हैं तो ऑस्कर में हर साल जो कंट्रीज होती है वो अपनी तरफ से एक मूवी वहां एंटर करती है ताकि वो फिर वहां पे उन उन्हीं में से एक सेलेक्ट होती है जिसे ऑस्कर मिलता है लेकिन इंडिया की तरफ से इस साल कोई हिंदी फिल्म नहीं गई है बल्कि एक तमिल फिल्म गई है जिसका नाम है कुजंगाल कुजंग गाल हैं छोटे छोटे कंकर होते हैं तो कुजन गाल मूवी जो है वो है इंडिया ऑफिशियल एंट्री टू नाइनटी ऑस्कर अवार्ड उनको अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री है वो है कुजन गाल जो कि एक तमिल फिल्म है ऑलरेडी मैंने बताया कि डोनन कप को इस बार जीता एफ गोवा ने उन्होंने मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब को हराया फाइनल्स में गवर्नर न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नर जो है वो शांति कांता दास है अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आई थिंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नए बने आरबीआई को वहां पे मैंने जोश जे कुठोर बताया था कि कुठोर इंसान होना चाहिए तो वैसे ही गवर्नर बने आरबीआई के नए उनका नाम है शांति कांता दास तो शांति कांता आप शक्ति कांता नॉट शांति कांता इट्स शक्ति कांता दास तो इसको आप याद रखोगे शक्ति कांता के शक्ति एक शक्तिशाली इंसान है जिसको गवर्नर बनाया गया आरबीआई का क्योंकि वो शक्तिशाली है वो प्रोटेक्ट कर सकता है आरबीआई को चोरी से बचा सकता है तो इस वजह से उसी को बनाया गया एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई नाउ बीस टीम वन फोर्टी एडिशन ऑफ आईपीएल के को हरा के चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता फोर्टीन एडिशन ट्वेंटी में झुक हुआ था इस साल दो नई टीम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो फिफ्टीन से एडिशन होगा उसमें आएंगी एक तो होगी गुजरात की और दूसरी लखनऊ की इसको पहले अहमदाबाद कहा गया था लेकिन अब इसका नाम गुजरात रखा गया है नाउ इंडिया की रैंक क्या थी 2021 के हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में ये 90th रैंक पे आ गया है नाउ कंट्री हैज बिन डिक्लेयर एज डिमेंशिया फ्रेंडली सिटी वो कोची को कर दिया गया है नाउ डिमेंशिया जिन लोगों को होता है वो भूल जाते हैं अक्सर अच्छा चीजें तो एक ऐसी सिटी जहां पे ऐसे लोगों के लिए जो भूल सकते हैं उनके लिए फैसिलिटीज होगी अराउंड द सिटी तो वो कोची है कोची केरला के अंदर है तो वहाँ पे जिन लोगों को एडवेंचर वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं उनके लिए वहां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग इनोग्रेट किया गया है का नाम है जॉफ एलरडाइस एलर के नाउ यहां पे एलरडाइस में भी आप आप इमेजिन करो किन को बनाया गया सीईओ लेकिन ये दिन भर डाइस खेलते रहते हैं टेबल पे बैठ के अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक कैंपेन है जिसका नाम है हर घर दस्तक इंपॉर्टेंट है हर घर दस्तक इसको लॉन्च किया पी नरेंद्र मोदी ने एंड इसका काम है हाउस कोविड प्रोग्राम उनके लिए जिनको सेकंड सेवर ड्यू है का टाइम हो चुका है लेकिन जिनने नहीं किया उनको आ, उनके लिए एक कैंपेन चलाई गई है जिसका नाम है हार्गर दस्तक चाइना की और एक सेटेलाइट है जिसका नाम है उन्होंने इसी साल स्पेस में छोड़ी है अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कॉप ट्वेंटी क्लाइमेट चेंज समिट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी साल हुई है यूके में हुई है पार्टनरशिप विद इटली और इंडिया ने कमिट किया है कि 2070 तक 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन इंडिया में लाएंगे कि मतलब किसी भी तरह की कोई इमिशन इंडिया में नहीं होगी हम इमिशंस को काब इमिशंस जो डिफरेंट uh, से होती है 2070 तक तक हम इसको जीरो जीरो आएंगे नेट ये ने क्लाइमेट चेंज जिस, पे हुई थी जिसमें इंडिया ने ये कमिटमेंट की थी ये यूके में हुई थी और इन पार्टनरशिप विद इटली ये दो होस्ट कंट्री वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन इनोग्रेटेड इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन कहाँ इनग्रेट हुआ ये नैनीताल में हुआ है जो जिसे आप लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हो जो उत्तराखंड में है। अब यहाँ पेज ऑन दूस फॉर अफगानिस्तान में बाकी सारी करेंसीज को बैन कर दिया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया विकेन द फर्स्ट चाइनीज तो इन स्पेस एसनॉक वैंग

इस एस्ट्रोनॉट की uh, की विंग्स थी और ये कहीं पे नहीं रहती थी इस से वो उस से बाहर चली गई है याद रखोगे लॉन्गेस्ट लूनार्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का हुआ नवंबर को अब यहां पे ऑलरेडी हमने देखा कि हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग का आता है उसमें केरला ने टॉप किया था इसी तरह पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ट्वेंटी में भी केरला ने ही टॉप किया नाउ पे ये ये क्वेश्चन जो है ये मैंने पूछा था आपको मॉक टेस्ट में नेम द इंडियन टेक टू कवर द न्यू सी ओ ऑफ ट्विटर आफ्टर को फाउंडर जैक डॉर्सी स्टेप्स डाउन फ्रॉम द पोजिशन तो जो को फाउंडर थे ट्विटर के वो सी ओ भी थे उनका नाम था जैक डॉर्सी उनसे स्टेप डाउन किया और उनकी जगह पे नए सी बने ट्विटर के उनका नाम है पराग अग्रवाल इंपॉर्टेंट है याद रखोगे अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी उनने अनाउंस किया नवंबर में कि आंध्रा की कैपिटल अब अमरावती होगी आपको पता ही होगा कि आंध्रा और तेलंगाना एक ही स्टे, आ, स्टेट हुआ करती थी और कैपिटल तब हैदराबाद हुआ करती थी लेकिन अब हैदराबाद जो है तेलंगाना में आता है तो अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्रा की नई कैपिटल अब अमरावती बनेगी वहां पे उनके बहुत सारे जो लिख्स या बहुत सारे ऑफिस हैं वो बनाए हुए हैं अब और एक हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पुलिस स्टेशन को ग्रेड किया था रैंकिंग दी थी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स तो बाजार दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन है उसको नंबर वन रैंक मिली है पूरी कंट्री में से बल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स एंड डैश बोर्ड वो फॉलोड बाई कोयम, uh, कोयम एंट चंडीगढ़ को मिला है शिमला ने टॉप किया है शिमला ने टॉप किया है एस डीजी अर्बन इंडेक्स डैश बोर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखोगे की एस डी जी अर्बन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में शिमला को पु, पहली पोजिशन मिली है इंडिया की पहली पहली फूड म्यूजियम ये लॉन्च हुई थंजोवुर थंजोवुर तमिलनाडु में है थंजर अगर आपको याद होगा थंजावर कॉट्रेट मैंने पढ़ाया था कहीं पे अगर आपको याद है मैंने कल्चर एंड हेरिटेज में थंजरेट के बारे में बताया था तो वो कौन है क्या है वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो ईरानी ने नई एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लाल सलाम विच इज बेस्ड ऑन द ट्रेजिक लिंक्स ऑफ सेवेंटी सिक्स सीआरपीएफ आर्प पर्सनल छत्तीसगढ़ में छिहत्तर सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए थे उनके ऊपर बुक लिखी है स्मृति ईरानी ने जिसका नाम है लाल सलाम अब यहाँ पे अभिजीत बैनर्जी आपने सुना होगा इनको 2019 में इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला था इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका तो लिखी है जो कि नोबल पीस प्राइज नोबल लॉरेट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ये प्राइस जीता था नाउ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट किन को बनाया गया है नाउ आईसीसी के चेयरमैन किन को बनाया गया है आफ्टर सक्सीडिंग Uh, सौरव गांगुली को बनाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनिल कुंबले को रिप्लेस किया है सौरव गांगुली ने अब ये आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द गाइन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरबल रोड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बी आर ओ ने उमलिंगला पास में वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरबल रोड बनाई है उमलिंगा पास लद्दाख में इन विच स्टेट 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस हैज बीन लॉन्च पूर्वांचल एक्सप्रेस एक, एक एक्सप्रेस वे है एक्सप्रेस वे मैंने पढ़ा है आपको ट्रांसपोर्टेशन में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगर आपको याद हुआ ये उत्तर प्रदेश में इसको यहाँ लॉन्च किया गया इसको इनोग्रेट किया गया नवंबर ट्वेंटी में और एक बुक यहाँ पे है शटलोस फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट इसको किसने लिखा ये एक ऑटोबायोग्राफी है इसको पुलेला गोपीचंद ने लिखा है पी गोपीचंद या पुलेला गोपीचंद जो है ये बैडमिंटन कोच हैं अब प्लेयर थे पहले अब कोच है तो इन्होंने शटल फ्लिक शटलर कहते हैं बैडमिंटन प्लेयर को तो शटल फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट ये बुक जो है पुलेला गोपी चंद ने लिखी है देन ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिनको पद्म विभूषण मिला 2021 का इन पब्लिक अफेयर्स इनका नाम था शिंजो आपे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक है कैसर हिंद नाम की बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश ने अप्रूव किया है इससे पहले हमने काटली फिश देखा था उसको स्टेट फिश असम ने डिक्लेयर किया है यहां पे कैसर ए हिंद स्टेट बटरफ्लाई को अरुणाचल प्रदेश ने स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस किया है अब दिसंबर पे चलते हैं में वी हाँ कि किन को रामानुजन प्राइस मिला नीना गुप्ता को दिया गया है नीना में आप देखोगे नीना थोड़ा नाइन से मिलता है तो नाइन से मैथ आपको याद आएगा और मैथ, मैथ रामानुजन प्राइज तो नीना गुप्ता नीना गुप्ता को मिला रामानुजन प्राइज समिट फॉर डेमोक्रेसी ये यूएसए में हुई इंपॉर्टेंट है याद रखोगे डेमोक्रेसी वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस यूनिवर्स 2021 जिसे मिस यूनिवर्स पेजेंट जिसे जो मिस यूनिवर्स पेजेंट था वो मिला हरनाथ संधू को इन्होंने जीता आपने देखा होगा हरनाथ संधू बनी मिस यूनिवर्स ट्वेंटी आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम ये लॉन्च की उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की अब यहाँ पे विज बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड आपने देखा होगा पेटीएम में आपके पास डिजिटल गोल्ड होता है तो उसी के अगेंस्ट आप अब लोन ले सकते हो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया गोल्ड के साथ पार्टनरशिप में एक सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि आपको कहीं पे भी पेपर दिखाने की जरूरत ना पड़े आप डिजिटली ही बायोमेट्रिक से आपकी ऑथेंटिकेशन हो तो आप ट्रेवल कर पाओ विदाउट पेपर यूजिंग दिस डिजी यात्रा सिस्टम

बिहार को मिला गोल्ड मेडल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है वो हर साल निकालती है एक रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर उस कोऑपरेटिव मॉनिटर में अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंक किया जाता है दुनिया के कोऑपरेटिव्स को और यहाँ पे इंडिया की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है इंडिया इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको आप इफको कहते हैं जिसकी खाद आती है फर्टिलाइजर्स आती हैं तो ये कंपनी जो है ये कोऑपरेटिव है एंड ये कोऑपरेटिव जो है ये इसको मिला नंबर वन रैंक लेकिन ये मिला था आई थिंक पर कैपिटा बेसिस पे जो पर कैपिटा रेवेन्यू में ये टॉप पे थी इफको देन विच इंडियन हॉकी प्लेयर हैज बीन अवार्डेड प्रेस्टीजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी हमने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम से जाना जाएगा और ये इस साल मिला इंडिया के हो, दो हॉकी प्लेयर्स को एक तो गोलकीपर जिनका नाम पी आर है और कैप्टन जिनका नाम मनप्रीत सिंह है तो ये दो नाम है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है वो एज बिन अपॉइंटेड द दे फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड ये गीता गोपीनाथन को बनाया गया है गीता गोपीनाथ एक इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है ये इंडियन ओरिजिन है यूएस में रहती हैं इनको बनाया गया है पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ एम इंपॉर्टेंट है गीता गोपीनाथन गीता गोपीनाथ इनको आपने सुना होगा इनका नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा देन बी कैम ट्वेंटी 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वी पठानिया

ऐसे ही हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है यूटीज में दिल्ली ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है दिल्ली ऑब्वियसली वहां पे आपकी सरकार है गुड गवर्नेंस वहां पे बहुत अच्छी है देन स्टेट हैज बीन रीनेमड बाई उच स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज वीरान गंगा लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन ये झांसी स्टेशन झांसी स्टेशन को नाम अब वीरान गंगा लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन रख दिया है सेकंड इंडियन बॉर्न वुमन आफ्टर कल्पना चावला टू फ्लाई इन टू स्पेस इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने आपको बताया कि यह शीर बंडला है अगर आपको याद होगा शीरसा से शीशा याद आएगा बंडला से बंडल तो शीशे का बंडल बना के उसके ऊपर चढ़ के स्पेस में चली गई देन हुई ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर द वर्क थिंग्स टू लिव बिहाइंड इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला नमिता गोखले को जिन्होंने थिंग्स टू लीव बिहाइंड बुक लिखी ऐसे ही साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला उन्होंने बुक लिखी है सम्राट सम्राट अशोक देन यहां पे यू, यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अफवा कौन सी स्टेट में एक्सटेंड किया जाएगा नागालैंड में अब नागालैंड में भी अफवा होगा ये डिसाइड हुआ दिसंबर में भूटान के भूटान ने खयस सिविलियन अवार्ड दिया पीएम मोदी को वो सिविलियन अवार्ड का नाम है गदाग पेलगी पोटलो इंपॉर्टेंट है भूटान का हाइय सिविलियन अवार्ड गदाग पेलरी गोलगो ये मिलेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब यहाँ पे गंगा वे, उसकी फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले डाउन की वो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो स्टार्ट हो गया उसकी इनग्रेशन हो गई और नया बनने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे देन विच फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इन टैंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसी इंटेंजिबल कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर पाओगे तो वैसे तो मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको तो आप टच कर पाओगे तो वो टेंजेबल में आएंगे लेकिन कुछ ऐसी भी हेरिटेज है जो कि आप टच नहीं कर सकते लाइक वी हैव वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा है मैंने आपको बताया था कि दुर्गा पूजा ज्यादा वेस्ट बंगाल में होती है तो दुर्गा पूजा को वहां पे एक फेस्टिवल मान सकते हो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में डाला गया है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये नरवानी uh, को बनाया गया है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि अब लीगल मैरिज जो वुमेन की ऑलरेडी 18 इयर्स इयर्स थी अब उसको 21 कर मैसेजिंग एप्लीकेशन विच ऑज लॉन्च बाई इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ने एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम सिग्मा है ए सी आई जी एम एम द इंडिजिनियसली डेवलप सरफेस टू सरफेस मिसेल विच सक्से

so with this we have covered from january 2021 to december 2021 ye sare cover ho gaye hain in these three videos so uh, i'll see ki agar main shayad january 2022 ke bhi kar raha hu kyunki agar paper thoda late bana hoga to maybe 2022 का question आएगा but I don't expect कि उसमें question आएगा December तक ठीक रहेगा आपके लिए आप इतना पढ़ सकते हो पी आपको टेलीग्राम से मिलेगी ऐप पे भी मिलेगी आप इसको रिवाइज करो आपको ये सारी चीजें जो हैं याद हो जाएंगी एंड यहाँ पे ये मीम आपने देखी होगी मेरी गली से तेरी यादों का जनाजा निकलेगा मेरी गली से तेरी यादों का जनाजा निकलेगा इंसान हूँ फरिश्ता नहीं कितना याद आएगा इट्स डेडिकेटेड टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो करंट अफेयर से तंग आ चुके हैं जो करंट अफेयर्स को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो